Hello students, welcome to Canonical Classes. In today's video, we are going to study about osmotic pressure. तो आज के वीडियो में हम osmotic pressure को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? तो देखिए osmotic pressure. Osmotic pressure के बारे में जानने से पहले हमें कुछ एक terms जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि diffusion क्या होता है, osmosis क्या होती है, ये सारी, ठीक है? तो चलिए जरा start करते हैं. सबसे पहले हम एक definition लिखते हैं जो क्या बोलती है कि movement of molecules from its lower concentration is known as, क्या बोला जाता है इसी चीज को, is known as diffusion. ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? diffusion बोलेंगे. जब किसी भी molecule का movement हो रहा है आपकी high concentration से lower concentration की तरफ, तो उस process को क्या बोला जाता है? diffusion बोला जाता है. ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं, एक example लेके एक diagram draw करते हैं. मान लीजिए कि आपके पास ये ब्लॉक है, इसको सेपरेट किया हुआ है हमने, बीच में से एक मेम्ब्रेन लगा दिया, ऐसी सिंपल सी मेम्ब्रेन है, ठीक है, बहुत ही चीप सी मेम्ब्रेन है, कोई खास काम नहीं करती, बट एक मेम्ब्रेन हमने ऐसी लगा दी है. अब हमारे पास जो कंसंट्रेशन है इसको बोलते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी. ठीक है, तो अब जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है ए की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा, ए फुल है यहाँ पे, लो ए फुल है यहाँ पर, ठीक है. और लेकिन जो हमारे पास बी है, बी की जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, आपके पास कम है. बी की कंसंट्रेशन क्या है? कम है. मान लो बी आपके पास इतना है, इतना बी प्रेजेंट है, ठीक है. तो अब होगा क्या, क्या होगा यहाँ पर, जो मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की वो कहां से कहां को होगी? बी टू ए होगी या ए टू बी होगी? ऑब्वियस सी बात है, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन है वहां से आपके मॉलिक्यूल्स मूव करना स्टार्ट करेंगे. किसकी साइड? जहां पर कम कंसंट्रेशन है उस वाली साइड, है ना. तो मतलब मूवमेंट होगी ए से लेकर बी तक, होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, ठीक है. तो हम इस चीज को ऐसे दिखाते हैं, मूवमेंट कहां से कहां हो रही है? ए टू बी मूवमेंट हो रही है, ए टू बी. जब ए टू बी मूवमेंट हो जाएगी तो ये कितनी देर तक डिफ्यूजन होगा, मतलब ये प्रोसेस जो हो रहा है ये कितनी देर तक चलेगा, ठीक है. तो बोला गया कि ये जो प्रोसेस है ये तब तक चलेगा जब तक इन दोनों साइड, ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं इनके जो मतलब ये इक्वल एरिया ना ऑक्यूपाई कर ले, मतलब ये दोनों कंसंट्रेशंस क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए. मतलब ए इज इक्वल टू किसके ना हो जाए? बी. ए की कंसंट्रेशन बी के इक्वल ना हो जाए. अभी तो ए की कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन बी, है ना, लेकिन अब हमें ऐसी कंडीशन लेके आनी है जहां पे ए की कंसंट्रेशन बी के इक्वल हो जाएगी, तो ये अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि अब नेट फ्लो तो आपका जीरो हो जाएगा. अगर मॉलिक्यूल जिधर भी जा रहे हैं उतने ही इधर आ रहे हैं, तो नेट फ्लो आपका क्या हो जाएगा? जीरो. और सामने से देखने से आपको लगेगा कि कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि अब ये पोजिशन कौन सी पोजिशन होगी इसकी? इक्विलिब्रियम. कौन सी पोजिशन होगी? इक्विलिब्रियम. क्लियर है ये बात? इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया अब इसने, ठीक है. तो ऐसी मूवमेंट जब होती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसको क्या बोला जाता है? डिफ्यूजन. वहीं पर एक और डेफिनेशन है, ध्यान देना. नेक्स्ट अगर हम डेफिनेशन लिखें कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is known as osmosis. Very important. ठीक है, अब क्या बोल दिया गया कि ऐसी मूवमेंट मॉलिक्यूल्स की, इस तरह की मूवमेंट होगी जब मॉलिक्यूल्स कहां से कहां मूव करेंगे, आपके मूवमेंट हो रही है फ्रॉम, फिर से मूवमेंट वहीं से वहीं हो रही है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. बट यहां पर कंडीशन क्या लगा दी गई है कि हमारे पास मेम्ब्रेन कैसी होनी, हमारी जो मेम्ब्रेन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेमी परमिएबल. ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए. और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ
सिलेक्टिव चीजों को जाने देती है। तो सेमी परमिएबल का दूसरा नाम क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम अगर बीच में ऐसी मेम्ब्रेन लगा दें कि जो सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को जाने देगी, तब जो मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर से हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस में क्या होगा कि आपके पास फिर से एक कंटेनर लो, ये आपने कंटेनर लिया। ठीक है, अब यहां पे जो मेम्ब्रेन है उसके पोर्स बिल्कुल छोटे छोटे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स हैं। ओके, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए पोर्स कितने बड़े बड़े हैं, बट यहां पर पोर्स बिल्कुल छोटे छोटे कर दिया मैंने। ठीक है, अब फिर से यहां पर क्या है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वही होगी, यहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, अब यहां पे कंसंट्रेशन कम है। तो फिर से ये आपका ए था, अब बी है, कंसंट्रेशन ए से किसकी तरफ जाएगा? बी की तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जब ए और बी की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा, तब ये आपकी ऑस्मोसिस बंद हो जाएगी। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो जब जो मूवमेंट हो रही है ए टू बी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहां पर जो ये मेम्ब्रेन लगी है, ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का ही मेन रोल है इस ऑस्मोसिस के अंदर, वरना तो डिफ्यूजन में भी मूवमेंट आपकी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ही थी और ऑस्मोसिस में भी हायर टू लोअर है। बस डिफ्यूजन में हमारे पास कोई अच्छी मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है ताकि मूवमेंट जो है ओनली सेक्टिव पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सके। ओके, तो चलिए अब जरा देखते हैं कि पहले तो ये समझते हैं कि व्हाट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, क्या होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एसपीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं पर अगर आपको एसपीएम लिखा आ जाए तो अब आपने समझ जाना है कि ये है क्या, एसपीएम क्या है, आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही है। तो देखिए, सेमी परमिएबल और इसका दूसरा नाम क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो आप बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं ना सब लोग, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसी की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती क्या है, ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है, डिफाइन करते हैं इसको, इट इज द मेम्ब्रेन which allow passage of only and only solvent molecules. ठीक है, which allow movement of solvent molecules through it. इट इज नोन एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देगी अपने में से, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्यों सिर्फ सॉल्वेंट को ही क्यों पास होने दे रही है, सॉल्यूट को क्यों नहीं पास होने देगी? क्योंकि जो सॉल्वेंट है उसका जो पोर साइज, उसके जो कंपोनेंट्स, उसका जो साइज है, पार्टिकल साइज है, वो बहुत ज्यादा छोटा है और इसके पोर्स में से आसानी से निकल सकता है। और ये तो हमें पता है कि सॉल्यूट का जो साइज होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज आपके सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज से बड़ा होता है ना, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल के साइज से बड़ा है तो इसका मतलब वो उसके पोर्स, मतलब एसपीएम के पोर्स में से इजिली पास आउट नहीं हो सकता, इसलिए ये सिर्फ किसको अलाउ करती है, जो उसमें से पास हो जाए, है ना। तो कौन पास हो सकता है? ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल बोला कि ये एक चीज को पास होने देगा, दूसरी चीज को पास नहीं होने देगा। अब ये दो टाइप का होता है, फर्स्ट इट इज ऑफ टू टाइप्स, पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी टाइप है। फर्स्ट, सबसे पहले तो एक जो नेचुरल सेमी परमिएबल होती है ना, नेचुरल सेमी परमिएबल। ठीक है, नेचुरल सेमी परमिएबल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो पिग ब्लेडर। ठीक है, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। उसी तरह से सेकंड जो इसकी कैटेगरी है, दैट इज आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो हम लैब में बनाते हैं, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जो आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होता है, वो हम क्या करते हैं कि उसको हम सिंथेसाइज करते हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, पार्चमेंट पेपर, यही लिख देती हूं,
ठीक है। और दूसरा भी अगर हम इसका कोई और एग्जांपल ले तो सेलोफेन्स, सेलोफेन, सेलोफेन किसको बोले थे, सेल्यूलोस, सेल्यूलोस जिंथेट को, ठीक है, सेल्यूलोस जिंथेट को हम क्या बोलते हैं, सेलोफेन्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे हमारे एग्जांपल्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, जैसे सिलिकेट्स, हम बात करें सिलिकेट्स की, सिलिकेट्स ऑफ कोबाल्ट के सिलिकेट्स हो गए, निकल के सिलिकेट्स हो गए, या आयरन के सिलिकेट्स हो गए, ठीक है। इनके सिलिकेट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, क्लियर है ये बात, ठीक है। और आपका बहुत और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे कि हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो होता है कॉपर फेरोसाइनेट है ना, कॉपर फेरोसाइनेट, कॉपर फेरोसाइनेट को Cu2 है ना, ये एक कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, FeCN का होल 6, ठीक है। ये आपका क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। हाँ, कॉपर फेरोसाइनेट के बारे में आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रहनी चाहिए कि ये जो कॉपर फेरोसाइनेट है ये यूज किया जाता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए, ठीक है। मोस्टली यूज फॉर किसके लिए यूज किया जाएगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए। क्यों भाई, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज कॉपर फेरोसाइनेट इज सॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि जो कॉपर फेरोसाइनेट होता है वो आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, सॉल्यूबल होता है, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखें, अगर कॉपर फेरोसाइनेट के अलावा और कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं, ई पार्ट आ गया। अब आपका फिनॉल सेचुरेटेड विद वॉटर, वो भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसको भी लिख लेते हैं, फिनॉल सेचुरेटेड विद वॉटर, ठीक है। ये भी आपका एग्जाम्पल है किसका, आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब जो ऐसी मेम्ब्रेन जो आप खुद बना सकते हैं। तो ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिंपल वही था कि ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ सिलेक्टिव चीजों को पास आउट होने देती है अपने में से, उनको आप सिंपल मेम्ब्रेन बोल देते हो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोल देते हो, क्योंकि उनमें सिलेक्टिव चीजें पास आउट हो रहे हैं। और आपके सॉल्यूशन में से कौन सा सिलेक्ट हुआ पास आउट होने के लिए, दैट इज योर सॉल्वेंट, है ना, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज तो बड़ा है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज छोटा है, तो इसलिए सॉल्वेंट पास होंगे जिस मेम्ब्रेन से, आप उसको क्या बोल देते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखिए, अब आप अपनी बुक्स के अंदर ऑस्मोसिस के एक और नई डेफिनेशन दिखेंगे, दैट इज ऑस्मोसिस, जिसको पढ़ के बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन क्या है, देखिए इसमें हम क्या लिखते हैं, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is known as osmosis, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आप अपनी बुक्स में देखेंगे, जिसको देख के आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पर तो लिखा हुआ है कि लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन, और हमने पहले की डेफिनेशन पढ़ा हायर टू लोअर कंसेंट्रेशन, यही पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए, इस डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है यहां पर मूवमेंट किसकी बताइए, आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बताइए मूवमेंट, है ना, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कहां से, लोअर कंसेंट्रेशन। जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की अगर हम बोलें कि उसकी कंसेंट्रेशन क्या है, लोअर कंसेंट्रेशन है, तो इसका मतलब वहां पे कंसेंट्रेशन किसकी कम है, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स की, क्लियर है ये बात। कि अगर मैंने सॉल्यूशन की बात करी, मैंने बोला कंसेंट्रेशन कम है, तो किसकी कंसेंट्रेशन कम होगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स की। फॉर एग्जांपल, 1 glass water है, उसमें आपने 1 spoon सॉल्ट डाला, तो यहां पे आपने उस पानी को क्या किया, आपने उसका टेस्ट चेंज किया, नमकीन बनाया पानी नमक डाल के उसमें, है ना। तो अब कितना नमक है वो तो डिपेंड करेगा जितना आपने सॉल्ट डाला उसमें, बिल्कुल वही उसी पे डिपेंड करेगा। तो उस सॉल्ट सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन जो है वो डिपेंड कर रही है कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट आप उसके अंदर डिजोल्व कर रहे हैं, उस वॉटर के अंदर डिजोल्व कर रहे हैं। तो उसी तरह से जब हम कंसेंट्रेशन की बात करते हैं, और जब हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की मूवमेंट हो रही है और कंसेंट्रेशन
की बात करेंगे तो वहां पे कंसंट्रेशन किसकी बताई जा रही है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वहीं पे अगर हम बात करते हैं हायर कंसंट्रेशन, किसकी बात करेंगे अगर हम हायर कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की, वो भी किसकी होगी, सॉल्यूट पार्टिकल्स की होगी। क्लियर है ये बात, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ लोअर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन को आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए बताया है कि आपकी सॉल्वेंट की मूवमेंट वहां से होगी जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, और किस साइड को होगी, जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है। इसको एक डायग्राम से और समझते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये एक कंटेनर है, ये कंटेनर है आपके पास, ठीक है। अब आप इसके अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, सपोज ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, लीजिए जो मैं एकदम ऑरेंज कलर से शो कर रही हूं, ठीक है। ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो सिलेक्टिव चीजों को ही जाने देगी, है ना। अब अज्यूम करिए कि मैं यहां पर ले लेती हूं आपका सी वॉटर। सी वाटर में आपको पता है सॉल्ट प्रेजेंट होता है, या सॉल्ट वाटर लिख लो सिंपली, आपने यहां पे ले लिया सी वाटर, लीजिए ये आपका सी वाटर प्रेजेंट है यहां पे। और दूसरी साइड हम ले लेते हैं अपने सिंपल प्योर वाटर ले लेते हैं, प्योर वाटर, प्योर H2O, प्योर H2O, आपने यहां पे ले लिया प्योर H2O के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जिसको मैं ये स्फेरिकल शेप से डिफाइन कर रही हूँ, सर्कल शेप से डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो ये आपके प्योर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब यहां पर, अब देखो यहां पे क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन की बात करें तो यहां पे कंसंट्रेशन जो है वो लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन। मैंने क्यों बोला यहां पे कंसंट्रेशन लो है, किसकी, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, समझ में आया। उसी तरह से अगर मैं यहां पे बोलती हूं तो यहां पे कंसंट्रेशन हाई है, किसकी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ अगेन किसकी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है, है ना। यहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, यहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन हाई है। तो मूवमेंट, मूवमेंट जो होगी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वो किधर से किधर होगी, जो मूवमेंट आपने देखनी है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वो कहां से कहां होती है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर यहां पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट लो है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, तो इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन होगी। मैं किसी और पेन से लिखती हूं इसको, तो इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन किसकी होगी, सॉल्वेंट की, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी, है ना। और अगर यहां पे हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, तो यहां पे क्या होगी, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब ये तो आपको पता ही है, ये हमारी SPM है। SPM स्टैंड फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो से सिलेक्टिव चीजों को पास आउट होने देगी, और यहाँ पे किसको पास आउट होने दे रही है, ओनली एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया इसने, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन होगी। तो अब इस कंसंट्रेशन के अंदर होगा क्या, देखना, इस कंसंट्रेशन के अंदर क्या हो गया, जो लो कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूट की और इधर हाई कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, तो मूवमेंट अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको मैंने बोला बी, तो मूवमेंट किस साइड से किस साइड को होगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, है ना। तो लो कंसंट्रेशन यहां है, हाई कंसंट्रेशन यहां है, या फिर मैं बोलूं हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, तो मूवमेंट जो है वो आपकी इस साइड को होगी, समझ में आया बात, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो मूवमेंट होगी, मूवमेंट कहां से होगी, मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से किसकी साइड को होगी, ए की साइड को मूवमेंट होगी, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, इस प्रोसेस को बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, समझ में आई बात। अगर आपसे किसी डेफिनेशन में ये लिखा जाता है कि मूवमेंट हो रही है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और आप इसको डिफाइन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब वो जो हायर कंसंट्रेशन है वो आपके सॉल्वेंट है, और लोअर कंसंट्रेशन मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट है। लेकिन अगर आपको डिफाइन कर दिया है कि जो मूवमेंट है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की हो रही है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब कि जो सॉल्यूट की जो मूव, अगर आपको सॉल्वेंट बता दिया गया है, तो इसका मतलब आपको क्या बोल दिया गया है कि जो लोअर कंसंट्रेशन है वो किसकी है,
सॉल्यूट की और वहां से किसकी किसकी तरफ मूव कर रहा है, जहां पे हाई कंसेंट्रेशन है आपके सॉल्यूट की. ठीक है, अगर आपको सॉल्वेंट स्पेसिफाई कर दिया है तो आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि जो लोअर कंसेंट्रेशन वो सॉल्यूट की बताइए और वहां से आपको मूव करना पड़ेगा हायर कंसेंट्रेशन जो कि सॉल्यूट की बताइए. क्लियर है इतना? ठीक है, अब यहां तक तो था आपका ये ऑस्मोसिस. अब आगे हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोसिस तो होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया. अब चलती है ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ. इनिशियली जो हमारी मूवमेंट थी, इनिशियली मूवमेंट जो थी हमारी वो कहां से कहां थी, बी से ए की तरफ थी, है ना. बी टू ए मूवमेंट थी, मतलब मूवमेंट वॉज फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, है ना. मतलब जो सॉल्यूट की लोअर कंसेंट्रेशन से सॉल्यूट की हायर कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे थे, कौन, सॉल्वेंट मूव कर रहा था. क्लियर है? लेकिन जब मैंने एक ऐसा सेटअप तैयार किया, यहां पर सी वॉटर, यहां पे आपने प्योर H2O डाला, फिर से हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया, ऑस्मोसिस की वजह से H2O सी वॉटर के अंदर एंटर कर रहा था, बी से ए की तरफ जा रहा था, फर्स्ट इनिशियली हमने ये देखा था. ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक प्रेशर, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करना स्टार्ट किया ऑन ए, ए वाली साइड पे जहां पर हमारे पास सी वॉटर है, मैंने वहां पर ऊपर से एक ऊपर से इस पिस्टन को प्रेस किया. और जैसे ही मैंने इस पिस्टन को यहां से प्रेस किया तो क्या हुआ कि आपका प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर मैंने बाहर से अप्लाई किया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं पी एक्सटर्नल. ठीक है, जब मैंने इस पे एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया तो जो अंदर ऑस्मोसिस हो रही थी उससे डेवलप हुआ आपका ऑस्मोटिक प्रेशर. मतलब जैसे ही मैंने यहाँ प्रेशर अप्लाई किया तो ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा मूवमेंट. किसकी मूवमेंट को रिटार्ड करेगा, जो मॉलिक्यूल्स बी से ए की तरफ मूव कर रहे थे उन मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को ये क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा. ठीक है, जैसे ही मैंने ए पे प्रेशर लगाया बी की मूवमेंट ए की तरफ आनी रुक जाएगी. तो जब ये मूवमेंट रुकी किसकी वजह से, वो जो प्रेशर था, जो एक्सेस प्रेशर लगा, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. उस प्रेशर को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बोला जाता है. क्लियर है ये बात? तो हम इसको यहां पे डिफाइन कर सकते हैं, द एक्सेस प्रेशर जो एक्सेस प्रेशर कौन से साइड पे लगा, ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन. किस साइड लगाया हमने, सॉल्यूशन के साइड. सॉल्यूशन क्या है, सी वॉटर, क्योंकि इसमें आपका सॉल्ट प्लस वॉटर है ना. ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन दैट स्टॉप्स द नेट फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन थ्रू वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. ठीक है ना. अब इनिशियली हमने देखा कि हमारी मूवमेंट बी से ए की तरफ हो रही थी अप्लाई करने पे प्रेशर पे. मतलब कौन सा प्रेशर आपने अप्लाई किया, ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई किया, तो मूवमेंट कहां से हो गई, ठीक है, जो हमारी फाइनल मूवमेंट थी. फाइनल मूवमेंट क्या होगी, इसको रोका आपने, इसको मतलब रोका. और अगर आपने एक पॉइंट पे प्रेशर लगाया, मान लो कि आपने एक पॉइंट पे प्रेशर लगा दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ऑब्जर्वेशन लिख देती हूं आपकी, ठीक है, ऑन अप्लाइंग प्रेशर मूवमेंट कहां से हुई थी, मूवमेंट जो हुई थी आपकी वो हुई थी फ्रॉम बी टू ए, है ना. प्रेशर अप्लाई करने पे मूवमेंट कहां से कहा, ऑन अप्लाइंग प्रेशर मूवमेंट बी टू ए क्या हो गई, स्टॉप हो गई मूवमेंट बी टू ए. ठीक है, जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया जो मूवमेंट हो रही थी बी टू ए वो क्या हो गई, स्टॉप हो गई. ठीक है, लेकिन सेकंड केस में अगर मैं एक्सेस प्रेशर इस पे अप्लाई, और हाँ ये स्टॉप जो ये मूवमेंट वो हुई किसकी वजह से, ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर. किसकी वजह से हुई है, ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ये मूवमेंट स्टॉप हुई है. वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज भी आपको नोट करनी है. तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो आपको पता लगा ना क्या होता है, जो एक्सेस प्रेशर हमने सॉल्यूशन की साइड पे लगाया है ताकि हमारे मॉलिक्यूल्स का जो नेट मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट है, नेट मॉलिक्यूल्स का जो नेट मूवमेंट है उसकी लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर. इसको हम आप यहां पर लिख सकते हैं इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है,
उसको हम क्या बोल देंगे, आपका ऑस्मोटिक प्रेशर बोल देंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जब आपने लगाया तो आपकी बी टू ए मूवमेंट स्टार्ट हो गई, स्टॉप हो गई सॉरी, ठीक है, बी टू ए की मूवमेंट क्या हो गई, स्टॉप हो गई। अब अगर आप ऐसा करें कि हम क्या कर दें कि अब मैं यहां पर एक और स्टेप स्टार्ट करती हूं, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दूं, मतलब मैंने एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, एक्सेस प्रेशर अप्लाई करने पे क्या कंडीशन आती है, एक्सेस प्रेशर अप्लाई करने पर ऑन अप्लाइंग देखते हैं, ऑन अप्लाइंग एक्सेस प्रेशर अप्लाई करने पे जो मूवमेंट हो जाएगी, मूवमेंट वो कहां से कहां हो जाएगी, फ्रॉम ए टू बी, उल्टी हो जाएगी मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज, वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्स ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, आरओ, क्या बोला जाता है, आरओ। जो आपके घर में आरओ लगा है ना पानी वाला, उसमें यही प्रोसेस हो रहा होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस हो रहा होता है उसके अंदर, ठीक है। तो हम दोबारा से समझते हैं ये मैंने क्या कंसेप्ट पढ़ाया आपको, ध्यान देना। जब हमारे पास क्या था, ये कंटेनर था, इसमें सी वाटर ए की साइड था, बी की साइड प्योर वाटर था, ठीक है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होनी थी फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहां पर कम थी, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन यहां पर ज्यादा थी, तो सॉल्वेंट लोअर से कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन को मूव करने लगे, ठीक है, इनिशियल कंडीशंस में। जो हमारी मूवमेंट थी वो कहां से थी, बी टू ए। ऑन अप्लाइंग प्रेशर आपकी मूवमेंट क्या हो गई, स्टॉप हो गई। मूवमेंट क्या हो गई, स्टॉप हो गई, कहां से कहां, बी टू ए जो आपकी मूवमेंट थी वो बिल्कुल ही स्टॉप हो गई, क्लियर है। अब नेक्स्ट, फाइनली जब आपने एक्स्ट्रा एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दिया यहां पर, तो अब आपकी मूवमेंट ए टू बी स्टार्ट होनी चाहिए, हो जाएगी मूवमेंट, जो फाइनल मूवमेंट हो जाएगी, फाइनल मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगी, ए टू बी, ठीक है। और जो ये फाइनल मूवमेंट है इसको बोला जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो बी से लेकर ए तक की मूवमेंट को जो स्टॉप करेगा, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलेंगे हम उसको, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो इसको जरा आप डिटेल से नोट डाउन कर ले अपनी नोटबुक्स में और समझ ले, कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट आप आसानी से पूछ सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से हमने दो चीजें कंक्लूड की। फर्स्ट कंक्लूजन हमने क्या देखा कि जब हमारा व्हेन अप्लाइड प्रेशर, अप्लाइड प्रेशर मतलब जो आपने पी एक्सटर्नल लगाया था, दैट वॉज योर अप्लाइड प्रेशर, ठीक है, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, जब आपका अप्लाइड प्रेशर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, देन इट स्टॉप्स ऑस्मोसिस। उसने ऑस्मोसिस को स्टॉप किया, कहां से कहां हो रही थी ऑस्मोसिस, फ्रॉम बी टू ए, है ना, हमने देखा था ना, जब आपका जो आपने प्रेशर अप्लाई किया था वो अगर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल है तो आपकी ऑस्मोसिस जो है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ठीक है, जो बी टू ए ऑस्मोसिस हो रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अगर आपका व्हेन आपका जो अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन, क्योंकि अप्लाइड प्रेशर, अगर मैंने ग्रेटर देन लिखा है मतलब मैंने एक्सेस प्रेशर अप्लाई कर दिया यहां पे, है ना, इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आपका अप्लाइड प्रेशर आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो मूवमेंट कहां से कहां हो गई, तो मूवमेंट उल्टी हो गई थी ना, रिवर्स हो गई थी, द मूवमेंट स्टार्ट फ्रॉम कहां से कहां होने लगी थी, ए टू बी होने लगी थी, है ना, देखा था ना हमने मूवमेंट उल्टी होने लगी थी, और उस मूवमेंट को बोल दिया था दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब चलिए जरा अब हम
मैथमेटिकली या फिर डेरिवेटली देखते हैं कि हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर, सबसे पहले तो आपको पता लगाना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को आप रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो हम यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे दैट इज पाई। ओके, जो आप मैथ्स में पाई यूज करते हैं ना, वही वाला पाई सिंबल आपने यहाँ पे यूज करना है। तो जो ये आपका पाई है वो पाई किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे फर्स्ट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। ओके, सेकेंड ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करेगा आपकी कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पे, किस पे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पे, सी रिप्रेजेंट योर कंसेंट्रेशन। ओके, तो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। तो अगर मैं इसको इक्वेशन वन ले लू, इसको इक्वेशन टू ले लू, तो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू पाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके सी टी के, होगा कि नहीं, बिल्कुल कंसेंट्रेशन एंड टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पाई है वो सी के कंसेंट्रेशन पे क्यों डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर तभी ज्यादा लगेगा जब आपकी ऑस्मोसिस ज्यादा होगी, और ऑस्मोसिस तभी ज्यादा होगी क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी तो बढ़ जाएगा आपका, क्लियर है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर आपके सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो अब यहाँ पे पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करेंगे दैट इज आर, जो कि क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो आपने स्टेट्स ऑफ मैटर 11th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। ठीक है, और आर की वैल्यू जो हम यहां पर यूज करेंगे वो क्या करेंगे, 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन मोल, या फिर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये आपकी जो है यूनिट आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी आर की। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये है आपकी फॉर्मुलेशन, ये है आपके डराइव्ड इक्वेशन, मतलब ये फॉर्मूला बना जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। अगर आपको आर, यहाँ पे मेन फोकस आपने आर पे करना है, अगर आपको आर लीटर एटमोस्फेयर में गिवन है, लीटर एटमोस्फेयर में गिवन है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसमें आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज पाई किसमें आएगा, एटमोस्फेयर में। ठीक है, एटमोस्फेयर में ही मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आप कन्वर्ट कर लोगे, और कन्वर्जन कैसे करेंगे तो देखना जरा, मैं बता देती हूँ। एक एटमोस्फेयर जो होता है वो 10^5 पास्कल के इक्वल होगा, पास्कल्स के इक्वल होगा, या फिर एक एटमोस्फेयर 760 mm ऑफ HG के इक्वल होता है। ठीक है, 760 mm ऑफ HG, वहीं पे अगर हम बार्स में बात करें तो 1 atmosphere इज इक्वल टू 1.013 bar। क्लियर है, ये फॉर्मुलेशन आपको याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एटमोस्फेयर 10^5 पास्कल के इक्वल है, या फिर 760 mm ऑफ HG के इक्वल होगा, या फिर एक एटमोस्फेयर 1.013 bar के इक्वल होगा। ठीक है, सब कुछ आर की यूनिट के अकॉर्डिंग चलेगा, जो भी आपकी आर की यूनिट गिवन है ना उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, वॉल्यूम आपका लीटर्स में, टेम्परेचर केल्विन में, और पाई आपका एटमोस्फेयर में। ठीक है, वॉल्यूम कहां से आ गया, वॉल्यूम क्या बोल दिया मैम ने, तो अब देखिए यहां पर जो हमने कंसंट्रेशन टर्म ली है, ठीक है, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है, यहां पे कंसंट्रेशन क्या है आपकी, मोलैरिटी, किस क्या है, मोलैरिटी। क्यों भाई मोलैरिटी क्यों ली, क्योंकि हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, तो हमें कोई एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म लेनी पड़ेगी जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंट हो। ठीक है, मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आप सिंपल कैपिटल एम से मोलैरिटी अगर रिप्रेजेंट करोगे तो हम इसको किसे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, यही होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू, पाई क्या हो गया, NB, क्योंकि सॉल्यूट के हैं, V उसके बाद RT। क्या ये इक्वेशन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। ठीक है, तो यहां से आपका एक नया फॉर्मूला आ गया, ये आप ये भी पुट कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं इस पोजीशन पे। नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आरटी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिल गई, एक पाई इज इक्वल टू सीआरटी और पाई इज इक्वल टू एनबी अपॉन वीआरटी। ओके, तो आपको मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट याद रखना है, गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू लीटर एटमोस्फेयर में अगर गिवन है तो 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर हमेशा आपने केल्विन में लेना है। ठीक है, वॉल्यूम आपने लीटर्स में लेना है और पाई एटमोस्फेयर में लेना है, अगर नहीं इसमें गिवन है तो आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है।
अब कुछ सॉल्यूशंस डिस्कस कर लेते हैं, जो कि क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोसिस का कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये सॉल्यूशंस का भी काफी अच्छा रोल रहता है. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हम सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अपने नाम से ही बता रहा है. हाइपो मीन्स, हाइपो का जो मीनिंग होता है दैट इज लो, या फिर हम बोले बिलो, है ना, कम, मतलब लो हो या फिर बिलो. तो जो आपके हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है वो कैसे सॉल्यूशन होंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशन हैविंग, द सॉल्यूशन हैविंग लो कंसेंट्रेशन, हैविंग लो कंसेंट्रेशन. अब यहां पे टर्म लो कंसेंट्रेशन आ गई है, तो लो कंसेंट्रेशन किसकी? लो कंसेंट्रेशन ऑफ, अभी आपको बताया था, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल्स की कंसेंट्रेशन लो है. ठीक है, जहां पर भी आपको लो कंसेंट्रेशन टर्म पता लग जाए, आपने समझ जाना है वहां पर लो कंसेंट्रेशन किसकी है, सॉल्यूट की. फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको. हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये वॉटर प्रेजेंट है. सपोज करिए इसमें क्या प्रेजेंट है, ये वॉटर, हमारे पास यहाँ पे H2O प्रेजेंट है. ठीक है, अब इस वॉटर के अंदर लेट से मैंने एक सेल डाल दिया, ये आपका सेल है, ये दो सेल डाल दिए मैंने, दो ये सेल मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला. ठीक है, जब मैं इसको इस सॉल्यूशन के अंदर, जब मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो सेकेंड केस जब मैंने इस बीकर को देखा तो हमारे पास कुछ इस तरह का दिखाई दिया, ये था वॉटर. ठीक है, सेल आपका अंदर एंटर कर गया, ये आपका सेल है, ये वही सेल है, मतलब वही है अभी. ठीक है, इनका साइज मैं इक्वल कर दूं ताकि आपको कुछ डिफर ना पता लगे. अब देखिए होने क्या लगेगा, मूवमेंट कहां से कहां होती है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. तो वॉटर के अंदर कंसेंट्रेशन सॉल्यूट की लो है. ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूं, वॉटर के अंदर लो कंसेंट्रेशन है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, अगर वाटर के अंदर कंसेंट्रेशन लो है, तो ये जो सेल का पार्टिकल जो मैंने आपको दिया है, इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन है वो क्या हो गई, हाई हो गई. तो इसका मतलब जो मूवमेंट होगी आपके सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की, वो कहां से कहां होगी, वो आपकी वाटर के से अंदर की साइड होगी. ठीक है, इसके अंदर जाएगा, क्योंकि लो सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन से हाई सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन में जाएगा वाटर. तो वाटर क्या करना स्टार्ट हो गया, इस सेल के अंदर जाना स्टार्ट हो गया. और थोड़े टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे, तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसका साइज आपको कुछ इतना बड़ा दिखाई देगा, इतना बड़ा. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो सेल है ये क्या कर गया, स्वेल अप हुआ कि नहीं, बिल्कुल स्वेल अप हो गया, मतलब फूल गया ये अपनी पोजीशन पे. ठीक है, जैसे कि हम लोग, जैसे मम्मी घर में राजमा बनाती है, तो राजमा को पहले बनाने से पहले उसको भिगो के रखते हैं ओवरनाइट, है ना, सोक करके रखते हैं उसको वाटर के अंदर ओवरनाइट. तो सोक करने के बाद होता है कि वो सॉफ्ट हो जाता है, उसमें भी ऑस्मोसिस होती है. तो वाटर के अंदर जो लो सॉल्यूट पार्टिकल्स थे, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करने लगा उसकी तरफ जहां पे हायर कंसेंट्रेशन है आपकी सॉल्यूट पार्टिकल्स की. ठीक है, तो इसीलिए राजमा में भी आप सुबह देखेंगे, राजमा भी बड़े साइज के आपको स्वेलअप दिखते हैं, वो ज्यादा ज्यादा सरफेस एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेते हैं आपके कंटेनर का. ठीक है, वो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, स्वेल अप. और ये स्वेल अप हुए किसकी वजह से, ड्यू टू ऑस्मोसिस. किसकी वजह से स्वेल अप हुए हैं, ऑस्मोसिस हो गई उनके अंदर. ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लो कंसेंट्रेशन है, हम उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्लियर है, ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन था. सेकेंड अगर हम बात करें, सेकेंड हम लेते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन. आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन भी नाम से बोल रहा है, आइसो मींस सेम. आइसो का मतलब क्या होगा, सेम. ठीक है, सेम, या फिर हम बोले इक्वल, बराबर अमाउंट है ना. आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, आपकी सेम या फिर बराबर अमाउंट है. क्लियर है आपके पास, ओके. तो चलिए आप जरा, अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एक बीकर लेते हैं, दिस इज योर बीकर. इसके अंदर फिर से आपने वॉटर डाला, ठीक है, अब आपने एक सेल लिया, यहां पे अगेन आपने एक सेल लिया. इस सेल को आपने जब इस वॉटर के अंदर डाला, तो आप थोड़ी देर के बाद ऑब्जर्व करेंगे कि वो सेल का जो साइज है वो उतना ही रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आता. वो जो सेल का साइज है वो उतना ही रहता है, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आया. तो कोई भी चेंज नहीं आया तो इसका मतलब, मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देती हूँ, उसकी जितना ही शेप कर देती हूँ. ठीक है, तो कोई भी चेंज नहीं आया, इसका मतलब जो सेल है, सेल इज इन नॉर्मल शेप. नॉर्मल शेप के अंदर है,
सेल इज इन नॉर्मल शेप, इट मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स नो लॉस और गेन ऑफ वॉटर, है ना, गेन ऑफ वॉटर, ना ही कोई लॉस हुआ है ना ही कोई गेन हुआ है वॉटर का, है ना। ऐसी कंडीशन जहां पे ना कोई लॉस हो ना कोई गेन हो वॉटर का, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलेंगे आप उसको, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर जो कंसंट्रेशन थी आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों में बराबर थी, दोनों के अंदर ही बिल्कुल इक्वल कंसंट्रेशन थी आपके सॉल्यूट्स की, ठीक है, तो इसी वजह से कोई भी मूवमेंट कहीं पर पॉसिबल ही नहीं हो पाई, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम लास्ट बात करें तो दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, सॉरी हाइपरटोनिक, हाइपो तो हमने कर लिया, थर्ड अब हम करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और हाइपरटोनिक क्या होता है देखना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर अगर हम स्टडी करते हैं तो हाइपर मींस ओवर, है ना, हाइपर, हाइपरटेंशन हो गई, है ना, वो कुछ ज्यादा ही हाइपर हो गया, बोलते हैं ना ऐसे, हाइपर का मतलब क्या होता है, ओवर, ओवर, या फिर हम इसको और क्या बोल सकते हैं, ओवर या फिर अबव, ठीक है। अब देखिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मैं सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, फिर से हमने एक बीकर लिया, इस बीकर के अंदर आप क्या करेंगे, इस बीकर के अंदर फिर से हमारे पास वाटर प्रेजेंट था, अब मैंने यहाँ पे पार्टिकल डाला, ओके, मतलब वही सेल का पार्टिकल डाला, ये सेल का पार्टिकल ऐसा था, थोड़ी देर के बाद जब मैंने देखा इस बीकर को तो ये वही सेम बीकर है, ओके, इसमें फिर वही वही लिक्विड प्रेजेंट है वाटर, अब देखा तो सेल का जो पार्टिकल था वो श्रिंक कर गया, इतना सा हो गया, जब मैंने उसका साइज देखा तो मैंने देखा यहां पर तो भाई श्रिंकेज हो गई, क्या हो गई यहाँ पे, श्रिंकेज, श्रिंकेज हो गई, ठीक है। श्रिंकेज को और क्या बोलते हैं, क्रीनेशन, क्या बोलते हैं इसको दूसरा नाम, क्रीनेशन, जिसको प्लाज्मोलिसिस भी बोला जाता है, बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, श्रिंकेज क्यों हो गई, क्योंकि अब जो मूवमेंट हुई है वो आपके कहां से हुई है, आपके सेल में से वॉटर की तरफ आई है मूवमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें कंसेंट्रेशन क्या होगी आपकी, हाई होगी, कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई। तो इसका मतलब यहां पर जो कंसंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे, हाई, तो हाई कंसंट्रेशन है, तो इसका मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन मूव कर गया, है ना, तो मूव कर गया, इट मीन्स उसकी श्रिंकेज हो गई। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हाई कंसंट्रेशन है, तो ये सॉल्यूशन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो भी क्या होगा आपका, वो भी हाई ही होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या होगा इनका, हाई होगा, ठीक है। इस आइसोटोनिक के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा रहेगा, सेम, और इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा, लेस होगा, क्लियर है। तो ये थे आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आए, जो नहीं समझ में आया कोई डाउट है तो कोई इशू नहीं है, आसानी से पूछ सकते हैं, डाउट कमेंट सेक्शन में आप इजीली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है, किसी कोई भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आया, ठीक है, वो आप बहुत अच्छे से समझें, और मतलब जो भी डाउट है वो आप इजीली पूछ लिए। चलिए जी, थैंक यू फॉर लिसनिंग।